नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्रोचन में गेमर में। और गाइस मैं आज खेलने जा रहा हूँ सर्वाइव टिल्डन मोड। आपको पता ही होगा कि भैया गेम में बहुत सारे ग्लिच होते हैं। अभी आपने देखा बंदा एक पल गायब था, एक पल आ गया। ऐसे ग्लिच की वजह से भैया गेम प्ले बनाने में भी थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है, तो वीडियो थोड़ी सी लेट आ जाती आ गई। इसलिए जो भी हैं सब्सक्राइबर उनको माफ़ी, और जो नए हैं बनना उनको भी भैया डबल सॉरी। ऐसा सोच के भैया मैंने चैनल बंद कर दिया, इस सोच के अनसब्सक्राइब तो मत करो यार, सब्सक्राइब करो भैया, सब्सक्राइब करो। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ से चलेंगे स्कूल, और इसमें कौन सा फीचर है पता नहीं। अपने आप से मैंने कोई फॉलो नहीं किया, उसने मेरे को कोई फॉलो की रिक्वेस्ट नहीं भेजी, अपने आप फॉलो हो जाते। मैं भी सोचता हूँ कि चलो जाने दो, मुझे मार्क हटाना था मतलब मैप का मार्क, लेकिन गलती से मैं अपने अनफॉलो ही दबाता हूँ मैं। लेकिन मेरे को पता था ये इधर ही उतरेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि चलो उतर जाते हैं इन्हीं के साथ। उतरते सस्ते में से शुरू, पहले तो घर दिखाई नहीं दे रहा था, अब ज़मीन गायब हो गई। तो मैं सोचता हूँ कि चलो भैया घर के अंदर चलते हैं, तो कूद के सीधा घर के अंदर आ जाता हूँ और अपनी लूट शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे कोई तो बंदा पीछे से घूम रहा था, लेकिन मैं उसको इग्नोर मारता हूँ, क्या पता कोई कैंप कर रहा हो, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं जाता। यहाँ पर सामने से मुझे फायर की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर देखते हैं कोई बंदा है क्या। तो यहाँ पर पहले तो मेरे को एक बॉट दिखता है, तो मैं उसको पहले नॉक कर देता हूँ, और मेरे टीममेट उसको फिनिश कर देते हैं। भाई किल तो चाहिए, इन जॉम्बीज के चक्कर में भैया किल ही लेने भूल जाते हैं। तो भैया ये पूरी पूरी जो इन्वेंट्री उसकी उसके खा जाते, मेरे को कुछ भी नहीं मिलता। मुझे चाहिए थी थोड़ी सी 7 की एमओ, अब बाद में देखना 7 की एमओ अगर होती तो शायद मैं और भी बेहतर तरीके से कुछ कर पाता, लेकिन मैं यहाँ पर हम आता हूँ। साइड में मेरे को फायर के साउंड तो सुनाई दे रहे थे। मैं यहाँ पर और थोड़ी सी लूट देखता हूँ कि क्या पता मेरे को यहाँ पर आसपास कोई गन मिल जाए, सॉरी गन नहीं वो एमओ मिल जाए उसकी। तो मुझे यहाँ पर कुछ तो मिलता तो है नहीं, तो मैं देखता हूँ सामने से कहाँ से आवाज़ आ रही है। मुझे एक बंदा दिखता है, तो मैं उसको पहले तो नॉक कर देता हूँ। ये बॉट ही होता है शायद, क्योंकि ऐसे तो कोई बॉट ही खड़ा रहता है। तो भैया मैं उसको पूरा फिनिश कर देता हूँ, और गलती से मैं इसी गन से उसको फिनिश कर देता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए था। उसके नतीजे भी देखने को मिल जाएंगे आपको थोड़ी देर में। मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे को यहाँ से वापस से कुछ फायर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं सोचता हूँ कि चलो इसके पेटी में शायद एमओ मिल जाएगी, लेकिन मिलता है सिर्फ रेड डॉट। तो ये इधर में एक जॉम्बी होता है, जॉम्बी को मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि भैया वो 3 नंबर को डैमेज ना करे। मुझे तो उसकी 45 की एमओ ही मिल जाती है। 3 नंबर पता नहीं वहाँ पर छत पर चढ़ के क्या कर रहा था, कौन से एनिमी को देख रहा था भाई। यहाँ पर मुझे कुछ फायरिंग के साउंड और कुछ फुटस्टेप भी आ रहे थे। मुझे लगा दीवार के उस पार बंदा होगा, मैं ज़ॉम्बी को इग्नोर मारता हूँ। मेरा टीममेट बोलता है कि उस घर के आसपास कोई भी बंदा है, क्योंकि मुझे उस पर इतना वैसे विश्वास नहीं था। क्योंकि क्या होता है कि बंदा होता है एक जगह पर है, मार्क बंदी करती दूसरी जगह पर है, जल्दी जल्दी में हो जाता है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मैं क्या पता कोने से मैं किसी को मार दूँ। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कहाँ पे कोई बंदा है, तो मेरे पास कोई स्कोप तो होता नहीं है, इसलिए मैं इसी का रेड डॉट के सहारे देखता हूँ कि वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और वहाँ पर मेरे को एक बंदा दिख भी जाता है, लेकिन क्या ऑफलाइन था कि क्या कर रहा था पता नहीं। मैं एक को नॉक कर देता हूँ, दूसरा भी नॉक, फिर भैया मैं सोचता हूँ कि चलो पुश करते हैं, चलो इसको यहाँ से
दीवार को फान के सीधा पुश करते हैं, दो बंदों को सीधा नॉक कर डाला। अब वो बॉट थे या बंदे थे पता नहीं, तो मैं ये तीसरा बंदा आता है उसको भी मैं सीधा नॉक ही कर देता हूँ। पहले गंभीर के पीछे छुप जाता हूँ और फिर सीधा नॉक। फाइनली मुझे लग रहा था कि साइड में भी कोई बंदा है, ज़ॉम्बी भी पीछे से बहुत आ रहे थे कि नहीं छोड़ेंगे ये हमारा शिकार कैसे छीन लिया तो नहीं, ऐसा करके मेरे पीछे आ रहे थे भैया। अरे भाई क्या कर रहे हो? और भैया इनका ये देखो, मैंने बंदे को मारा, लूट ये रहे, और ये देखो लैग्स ऐसे लैग होते रहते हैं भैया। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं छत के ऊपर चढ़ जाता हूँ लेकिन अचानक से नीचे आ जाता हूँ। अब ये डिवाइस का ही होता है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन भैया ये डिवाइस का प्रॉब्लम तो ठीक हो जाएगा। अब मेरे पास कोई भी एमो नहीं थी, अब मेरे पास थी तो सिर्फ पिस्टल। मैं यहाँ पर लूटने के लिए आता हूँ, क्या पता अरे भैया मेरे को कोई एमो मिल जाए, लेकिन मिलता है यहाँ पर एक चक्कू, तो एक कट्टा मेरे हाथ में। डरने की बात है, कट्टा मेरे हाथ में चल गया साथ में, तो ये इनके ऊपर कट्टे से हमला कर देता हूँ। दो नंबर डर के हमारे सीधा ऊपर चढ़ जाता है। अरे भाई पहली वेव में इतने डरोगे तो दूसरी वेव में क्या करोगे मुन्ना? दूसरी वेव में भैया बहुत खतरनाक जॉम्बी आते हैं, लेकिन भैया मेरे को यहाँ पर जॉम्बी बॉस ने मरवा दिया यार, जॉम्बी बॉस की वजह से। देखो भैया देखो, आप बस मैं बताऊँगा नहीं, वरना सब कुछ बता दिया सोच के वीडियो को यहीं पर कट करके चले जाओगे यार। वीडियो देखो भाई, देखो पूरी वीडियो, और लाइक क्या करो, और अगर नहीं तो सब्सक्राइब भी क्या करो यार, आपका सपोर्ट ही तो चाहिए। देखो मैंने इतना मारा, उनका कुछ भी नहीं उखड़ा। ये देखो तो इनको मारता हूँ, मुझे पता, मुझे लगा कि एमओ देंगे, क्योंकि भैया ड्रॉप के बाद सिर्फ यही एक ऐसे होते हैं जो एमओ देते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि इस घर के अंदर कोई पर एमओ मिल जाएगी। मैं सोचता हूँ कि क्या किया जाए अभी आगे, क्या किया जाए। मैं रिलोड मारता हूँ, और मुझे पता है कि यहाँ पर आपको अभी एक ट्रिक बताऊँगा जिससे कि आप हील कर सकते हो, मतलब अगर आपकी एचपी बहुत ज़्यादा कम है। ये देखो फिर से लैग शुरू, ऐसे लैग होते रहते, तो मैंने सोचा कि चलो अपने ट्रिक यूज़ करेंगे भैया, यहाँ पर अगर कोई ऐसी जगह हुई तो मैं यहाँ पर वहाँ के मारता हूँ। मेरी एमओ बहुत कम हो गई थी, मुझे एमओ की बहुत ज़रूरत थी, और किसी ऐसी गन की जो जल्दी से रिलोड करे, वरना भैया ये 2-3 सेकंड में मेरा बैंड बजा देगी। मैंने यहाँ पर एक AKM देखी थी, तो AKM को उठाता हूँ और इनका बैंड बजाता हूँ। चलो भैया निकलो यहाँ से, एक एक को पसंद मिलेगा, एक एक को भैया एक एक को करके आओ, एक एक करके आओ यार, एक एक को पसंद मिलेगा, सभी को पसंद मिलेगा भाई। अरे इतनी जल्दी किस बात की है भैया पैसे खाने की? ये लो भैया AKM की गोली खाओ। अरे पान वाले भैया क्या कर रहे हो? पान वाले भैया बहुत थूक रहे, पान खा के थूक रहे थे, कैंसर हो गया पान खा के, इसलिए उसकी दवाई की गोली भी दे रहा था। तो भैया अरे भाई तुम कहाँ से आ रहे हो? अरे मैं दीवार पर बंदा ही था। अरे भैया क्या कहाँ, कितने सारे जॉम्बी आई, मेरा टीममेट नॉक हो गया। अरे भैया नहीं, अरे भैया ये तो एक नंबर नॉक हो गया, अब उसको बचा भी नहीं सकते, कहाँ जाके छुप गए, बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया, उसको कैसे बचेंगे भैया? इसलिए मैं सोचता हूँ कि यहाँ से भागो। यहाँ पर सामने वाली खिड़की में भी कुछ बंदे थे, तो मैंने सोचा, दो नंबर बोल रहा था चलो पूछी करते हैं, ये जॉम्बी से लड़ रहे होंगे, हम जॉम्बी के बीच में आके उनको धप्पा करेंगे। तो भाई जॉम्बी भी आ रहे थे कि ठीक है भैया, हम तुम्हारी सहायता करेंगे भाई, हम तुम्हारी मदद करेंगे। दो नंबर आगे जाता है, यहाँ पर पता नहीं कहाँ पर कैंप करके बैठा था, ये कुत्ते को मारा था, मुझे लगा बंदा है, लेकिन भैया मैं इधर मोटे हलवाई को मारा था, तभी भाई साहब ये प्रकट हो जाते, मुझे लगा पूरी स्क्वाड होगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा होता है। लेकिन मेरे जॉम्बीज की क्या सनक जाती है, इतने सारे जॉम्बी आ जाते हैं कि हमारे शिकार को कैसे हाथ लगा तूने। और भैया हलवाई से दूर ही रहना, हलवाई से भैया सोशल डिस्टेंसिंग ही बेटर है। लेकिन भैया इधर इतने सारे, 3 नंबर के पास ही आके फट जाता है, 3 नंबर भैया नॉक हो जाता है, तभी 2 नंबर आता है भाई मदद करने के लिए। मैं सोचता हूँ मैं उसको रिवाइव दूंगा, ये कवर देगा, लेकिन होता है उसका उल्टा, मैं कवर दे रहा हूँ और वो भी रिवाइव। मैं सोचता हूँ कि भाई मेरे पास सिर्फ टॉमसन ही है, और तभी हो जाती है सुबह। अब बस इतने ही जॉम्बी बचे हुए थे, तो सोचा इन्हीं जॉम्बी का भैया ख़त्म करना, तो किसका किसी को कुत्ता काट रहा है, हम में से किसी को कुत्ता काट रहा था,
तो किसी को ये पागल पागल खाने के पागल बंदे भाई कहाँ घुसे जा रहे हो भैया। अरे इतने सारे, अरे पान वाले भैया कहाँ कर रहे हो भैया, क्या कर रहे हो भाई। कट्टा कट्टा मेरे हाथ में चल गया साथ में, चलो भैया इनको कट्टे से मारो। एमओ दो मेरे को भैया, एमओ एमओ। अरे भैया, अरे भैया बचाओ, अरे भैया मैं कूदूंगा नहीं, यहीं पर भैया डटे रहूँगा और इनको यहीं से ख़त्म कर डालूँगा। अपने साथ यहाँ पर टीममेट है, हम यहाँ से आगे जा ही रहे थे तभी भैया यहाँ पर जॉम्बी बॉस होता है। मैं देखता हूँ कि जॉम्बी बॉस को कोई पीट रहे हैं और भैया यहाँ से फायरिंग भी आ रही थी, पीछे भी जॉम्बी, आगे भी जॉम्बी बॉस। हम दो जॉम्बी बॉस और एक बंदे के बीच में अटक गए थे। तो मैं नीचे आ जाता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, यहाँ से भाग लिया जाए या इनसे पंगे लिया जाए। तो भाई दो नंबर गाड़ी चलाता है, तीन नंबर पीछे बैठता है, मैं साइड में बैठ जाता हूँ। और भैया फाइनली हम लोग सोचते हैं, मैं बोलता हूँ कि भाई साइड में चलो, साइड से ऐसे भाग निकलते हैं। लेकिन ये बंदे के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है, बंदा मेरे को लो कर देता है, दो नंबर को नॉक, तीन नंबर भी नॉक हो जाता है और मैं आखिरी बचा था तो मुझे फिनिश कर डालता है। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, विश यू हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आपके लिए बहुत अच्छा हो। तो मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।